हेलो व्यूअर्स, आज फिर से हम एक नया वीडियो लाए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ। मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, उसके बाद मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैं सब मेरे व्यूअर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए, मतलब 2 साल हो गए ये कंप्लीट करने में, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मुझे 2 साल लग गए। तो मेरा ये सलाह है, जो लोग यूट्यूब में है, मतलब वीडियो को कंटिन्यू डालते रहिए। मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मेरा कंटिन्यू वीडियो डाल नहीं पाते हम, इसलिए बहुत दिन लग गए। फिर भी मेरा जो व्यूअर्स हैं सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए वीडियो को। और लेकिन अभी मेरा वॉच टाइम, मतलब 4000 घंटे जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं है, तो मेरे ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कंप्लीट वीडियो देखें और वीडियो को शेयर कीजिए, तभी ये चैनल ग्रो कर सकता है। और मेरे चैनल में क्या है, तरह तरह के वीडियो आ गए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सबको मतलब किस टाइप का वीडियो ज़्यादा पसंद है। तो मेरे वीडियो सब में आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग किस तरह के वीडियो चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे उस टाइप का वीडियो लाने के लिए। तो चलिए और ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। आज हम थर्मोकोल के ऊपर ही एक काम किए हैं, थर्मोकोल का डेकोरेशन है, माता सरस्वती का नेम बोर्ड कह सकते हैं, सरस्वती पूजा के लिए था। तो चलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए व्यूवर्स हैं मेरे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरा जब वीडियो आएगा जो कि फिलहाल बहुत देर देर में आता है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को मेरे साथ एंड तक एंजॉय कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय। पहले हम हार्ट शेप बना लेंगे। तो हार्ट शेप बनाने के लिए हमने एक तो न्यूज़पेपर लिया है जिसको आधा फोल्ड किया हुआ है, और उसमें हम आधा ही हार्ट ड्राइंग करेंगे, और फिर कैंची से इसको काट लेंगे। फिर जब न्यूज़पेपर को खोलेंगे तो ये फुल हार्ट शेप बन जाएगा, और ये फुल हार्ट शेप को हम लेकर थर्मोकोल के ऊपर अच्छे से ड्राइंग बना लेंगे। इसमें क्या होता है, साइज शेप सब अच्छे से आ जाता है और हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ये मेरा अच्छे से हार्ट शेप बन गया, लेकिन मुझे थोड़ा अलग टाइप का हार्ट शेप चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा ड्राइंग नीचे से चेंज कर लिया, और फिर इसको हम थर्मोकोल कटिंग चाकू से इसको काट के निकाल लेंगे। देखिए हमारा हार्ट शेप कितना अच्छे से बना है। अभी हम दूसरा थर्मोकोल लेंगे और इसमें पट्टी काट लेंगे, 1.5 इंच साइज का पट्टी काट लेंगे। अभी इस पट्टी को हम हार्ट शेप के ऊपर लगाएंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत आता है, थर्मोकोल स्ट्रांग होता है, तो इसमें जब हम इसको मतलब फोल्ड करेंगे तो ये टूट जाता है, इसलिए हम इसको देखिए बेलन से बेल ले रहे हैं। बेलन से बेलने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से फोल्ड हो जाता है, ये तब टूटता नहीं है। तो इसको हम बेलन से बेल लिए, और अभी इसको हम ग्लू गन और फेविकॉल की मदद से इसको हम हार्ट शेप के ऊपर चिपका ले रहे हैं। अभी मेरा देखिए ये हार्ट शेप के ऊपर पूरा पट्टी लग गया। अभी हम दूसरे थर्मोकोल पर एक तो बतख या हंस का ड्राइंग बनाएंगे। अभी देखिए मेरा ड्राइंग कंप्लीट बन गया, और इसको अभी हम काट लेंगे, और काटने के बाद इसको हम साइड साइड से थोड़ा छील लेंगे, क्योंकि ये 25 mm थर्मोकोल है, ज़्यादा नहीं छीलेंगे, थोड़ा ही छीलेंगे, तो ये छीलने के बाद बहुत अच्छा दिखेगा। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. अभी देखिए ये मेरा छिलके कंप्लीट हो गया। अभी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और अभी उसके बाद हम 2 इंच करके पट्टी काटेंगे, और क्योंकि ये हम नीचे का बेस बनाएंगे तो नीचे के पास बेस बनाने के लिए हमने 2 इंच करके पट्टी काट ली है। और अभी ऐसे राउंड शेप का ऐसे काटेंगे तो राउंड ड्राइंग बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ढक्कन से या कलर बॉक्स से इसमें छाप ले लिया। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं मालूम, गोल गोल इसमें आ जाता है। अभी ये गोल गोल देखिए शेप बन गया। और अभी इसको हम हाफ कर लेंगे, आधा आधा टुकड़ों में काट लेंगे। फिर इस सब को कटिंग को हम इस पट्टी वाली ये वाले पट्टी के ऊपर ग्लू गन या फेविकॉल की मदद से चिपका लेंगे थोड़ा स्पेस दे देकर। अभी देखिए ये मेरा नीचे का बेस कंप्लीट बन गया। अभी इसका ऊपर हम ये हार्ट शेप और ये हंस को बैठाएंगे। लेफ्ट और राइट साइड में मैंने दोनों हंस बनाए हैं और इसको चिपका लिए। और अब बारी है इसको कलर करने की, जिसके बिना ये बिल्कुल अधूरा है। तो कलर हम यहाँ पे स्प्रे मशीन से कर रहे हैं, लेकिन कलर यूज़ किए हैं यहाँ पे फ्लोरेसेंट कलर। आप चाहें तो इसमें डिस्टेम्पर भी यूज़ कर सकते हैं स्टेनर के साथ, और नहीं तो फ्लोरेसन भी यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे फ्लोरेसन का यूज़ किए हैं स्प्रे कलर से, तो स्प्रे मशीन से कलर करने में फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग बस मेरे साथ देखते रहिए और भी आगे हम बात करते रहेंगे। कलरिंग भी मेरा कंप्लीट हो गया। अभी इसमें हम जो लेटर बीच में लिखेंगे उसको हम लिख लेंगे, तो वो भी सेम प्रोसेस है। मेरा पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं हम लेटर कैसे लिखते हैं कलर ग्लू बना के। इसमें हम लिख के उसके ऊपर बुरादा डाल के लिखाई को लिखते हैं, तो बस वही प्रोसेस है सेम। इसको अभी हम लिख के इसके बाद कटिंग करके उसके ऊपर बीच में लगा लेंगे, तो मेरा कंप्लीट बोर्ड बन जाएगा। तो वीडियो को आप लोग इतना दूर देख लिए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे आर्ट रिलेटेड पेंटिंग रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और एक बात, आप लोगों को अगर मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका ज़रूर आंसर दूँगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। और इसमें अभी हम फिनिशिंग टच दे रहे हैं इसका, जैसे आईज़ को हम बना लेंगे ब्रश की मदद से। और ये बतख का कुछ कटिंग के ऊपर भी थोड़ा डार्क कलर यूज़ किए ब्रश की मदद से।
और ये जय माँ सरस्वती जो लिखा हुआ था इसको हम कटिंग करके इसके बीच में फेविकोल के मदद से चिपका लिए। तो वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।